हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए यूपी में शनिवार रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू जारी है, जिसके कारण सड़कों पर आम जन नजर नहीं आ रहे। हालांकि इस दौरान अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस दौरान कोरोना से जंग से सीधे संबंध रखने वाले औद्योगिक गतिविधि पर रोक नहीं लगेगी, यानी फार्मेस, सैनिटाइजर मेकिंग, इससे जुड़े अन्य उद्योगों के लिए मजदूरों को आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और किसी हाल में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न इकट्ठा होने दी जाए। लॉकडाउन का असर पूरे यूपी में देखने को मिला। शहर हो या गांव, हर तरफ सन्नाटा छाया रहा। रायबरेली की सड़कें सूनी रही और शहर की दुकानें बंद रही। लोग अपने घरों में ही रहे। मैं मोहित सिंह पहुंच चुका हूं रायबरेली जिला के खीरो चौराहा के पास, जो कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। जैसे कि उन्नाव में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला। लोगों से पटी रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे शुक्लागंज में भी सभी मार्केट बंद रहे। आप देख रहे हैं ये न्यूज़, मैं अनिश कुमार सिंह। कोरोना वायरस से बढ़ते हुए संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 35 घंटे का लॉकडाउन का जो कदम उठाया है, उसके मद्देनज़र लॉकडाउन जारी है। आज हम उन्नाव जिले के सुपलान के पोनी रोड स्थित झंडा चौराहे पर स्थित हैं, जहां पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानें बंद रही और सड़कों पर सन्नाटा रहा। कोरोना लगातार पूरे यूपी में पैर पसारता जा रहा है, ऐसे में आम जनता को सजग रहना पड़ेगा। आपकी लापरवाही आपके परिवार को गंभीर मुसीबत में डाल सकता है, लिहाजा सतर्क रहें और सावधान रहें।